नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखेंगे 65वीं बीपीएससी पीटी 2019 का जनरल स्टडी का क्वेश्चन पेपर, यानी पीटी क्वेश्चन पेपर प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये है ग्रुप सी का। ओके, तो आप यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, किसी एक पर आपको टिक लगाना है। ओके, आपने देखा, आप हिंदी का भी ये पृष्ठ देख सकते हैं। उम्मीदवारों का यहाँ क्रमांक लिखना है, समान अध्ययन 65वीं बीपीएससी पीटी 2019 जनरल स्टडी का समान अध्ययन का पेपर है। हिंदी में ये लिखा हुआ है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन पर पेपर पहले मैं हिंदी में दिखा दूंगी, उसके बाद से मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इंग्लिश में दिखा दूंगी। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? निम्न से कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? निम्नलिखित विशेष संस्थाओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आम आदमी पार्टी है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? क्वेश्चन नंबर 11, भारत में न्यूनतम सार्थक मूल्य का निर्धारण कौन करता है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या था? वर्ष 2017-19 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? वर्ष 2017-19 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था? क्वेश्चन नंबर 18, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ? वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? वित्तीय वर्ष 2019 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है? निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी? आंसर आप खुद बना सकते हैं, नहीं तो मैं आंसर लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। 26 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1939 में बिहार के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 30, देशेर कथा किसने लिखी थी? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा किसने कहा था?
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किसे किस कारण त्याग दी थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 37, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इंडिया फॉर इडियट्स किताब किसने लिखा? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये मैथमेटिक्स दिया हुआ है, 41 नंबर, आप खुद देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 42, फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, आप देख सकते हैं। 46, 47 नंबर क्वेश्चन, 48, 49, 50, क्वेश्चन नंबर 51, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 52, शैवाल और कॉक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? जहां जीव रहता है उसे सटीक जगह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 54, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है? हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? क्वेश्चन नंबर 6, एड्स किसके कारण होता है? दाब का मात्रक है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में? निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? वायु में ध्वनि तरंग होती है? 5 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में है? हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? 71 क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 68, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? और निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? 70 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है? और निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? ओके, देखिए मैं एक एक करके दोनों क्वेश्चन बोल दे रही हूँ, आप चाहिएगा तो आप सिक्वेंस में देख सकते हैं। पानी का पीएच मान कितना होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है? देखिए यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा आपका करेंट अफेयर्स, ओके, 80 से ध्यान रखिएगा करेंट अफेयर्स। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया? 85 क्वेश्चन, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? क्वेश्चन नंबर 82, एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसे 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया था? खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आईकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? 89 नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागु चौहान को पद की शपथ दिलाई? 92, कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ
शाहजक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है। 19 नंबर, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। 81 है यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। 95 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में अबुधाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था। 96 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया। 97, हाल ही में इसरो और सीएनईएस ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सीएनईएस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। मनोहर पारिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहां आयोजित किया गया। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 104, यूनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे। थेरेसा के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी के पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें कौन शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 105, 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू डेली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और। क्वेश्चन नंबर 109, 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था। ओके, देखिए इस तरह से टोटल 80 से 110 तक आ गया आपका करेंट अफेयर। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 80 यानी 110 टोटल 30 अब ये करंट अफेयर्स पूछा है। अब यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। सारा बंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन नंबर 117 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। क्वेश्चन नंबर 123, इनमें कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 121, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ओके, तो इस तरह से 124 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। मैं एक एक करके दोनों तरफ जो लिखा हुआ है दोनों एक साथ पढ़ दे रही हूँ, इसलिए आपको थोड़े कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। 128, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर बिंदु पर थी।
इधर 129, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? 127, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? 130, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? 131, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? 133, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? 132, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है। 139, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? 140, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? 144 नंबर क्वेश्चन। 145, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? 146 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भी नहीं पाई जाती है? 147, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ये रहा आपका टोटल 140 क्वेश्चन। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके इंग्लिश मीडियम में करके डालूंगी, बस आप वीडियो को देखते रहे और मैं जल्द ही आंसर सहित क्वेश्चन पेपर को लेकर आऊंगी, आप वेट कीजिए। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 65वीं BPSC PT सब्जेक्ट जनरल स्टडी का क्वेश्चन पेपर है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताएं कि वीडियो की क्वालिटी क्या है, या अपना कोई सुझाव देना चाहें सुझाव दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें लिख भेजें। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी, आप वेट कर इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।